हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित और मैं आप लोगों के अपने चैनल एमजे क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों के लिए आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं टेंस के बारे में। और उम्मीद करता हूं कि जो पिछली वीडियो है आप लोगों ने उसे देखा होगा और आप लोगों को वो समझ में आई होगी कि उसमें किस प्रकार से हम लोग टेंस को पहचानते हैं और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। आइए इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व किया जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेंस तीन प्रकार का होता है और इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों के चार चार पार्ट्स हैं, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इसके अंदर जब ये हमारे टेंस हैं, लेकिन जब हम इसके अंदर सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। तो इन सभी सेंटेंस को पढ़ने के लिए हम लोग जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सभी तीनों का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। निगेटिव का अलग होता है, अफर्मेटिव का अलग होता है और इंट्रोगेटिव का अलग होता है। और सभी टेंस में करीब हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो हम लोग आज इसको बहुत ही सरल माध्यम से, बहुत ही सिंपल माध्यम से समझने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे एक ही स्ट्रक्चर यूज करके किसी भी टेंस का अफर्मेटिव हो या इंट्रोगेटिव या निगेटिव हो, हम लोग बस सिर्फ ये चार स्ट्रक्चर देखेंगे, एक अफर्मेटिव का, एक निगेटिव का और दो इंट्रोगेटिव का। और हम लोग इसको सभी टेंस में इसको हम लोग यूज किया जाएगा। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले कैसे इसको यूज करना है। सबसे पहले हम लोग देखा जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस पहले होता क्या है, जिसमें हमारा नकारात्मक शब्द और इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक शब्द ना आए, तो ये हमारा अफर्मेटिव होता है। और इसमें हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब सेकेंड, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट और हेल्पिंग वर्ब सेकेंड में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम लोग जब इसको बनाएंगे तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं कि होता क्या है। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट हमारा होता है, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाते हैं तो उसमें होता है हेल्पिंग वर्ब डू या डज। इंट्रोगेटिव या निगेटिव होता है तो डू या डज होता है, उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब सेकेंड नहीं होता। यदि हम लोग जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बना रहे हैं या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना रहे हैं या फ्यूचर परफेक्ट बना रहे हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना रहे हैं, तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब सेकेंड होता है। जैसे बीन, बी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बी होता है और फ्यूचर परफेक्ट में हैव होता है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब सेकेंड होगा। और जिसमें हेल्पिंग वर्ब सेकेंड नहीं होगा उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब सेकेंड का यूज नहीं करेंगे। तो आइए इसको हम लोग आगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि जिसमें हमारा प्रश्नवाचक शब्द आए, जैसे क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ। इसको हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, फर्स्ट और सेकेंड। पहले पार्ट में आता है जिसमें हमारा, जिसको सेंटेंस में पढ़ने पर सिर्फ हमारा हाँ या नहीं में जवाब दिया जाए। जैसे क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो इसको हम लोग सीधा सीधा हाँ या नहीं में जवाब देंगे। और क्या वह रो रहा है, इसको भी हम लोग हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। और दूसरा होता है जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए, जैसे प्रश्नवाचक शब्द जो है वो सबसे पहले हमारा आए। आइए देखते हैं सबसे पहले इंट्रोगेटिव फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले जिसमें क्या आए, जिसको हम लोग हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। जैसे उसमें हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट नॉट अगर रहेगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब सेकेंड, यदि हेल्पिंग वर्ब सेकेंड हमारा सेंटेंस टेंस में हमारा होगा तो उसको हम लोग लगाएंगे। और मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। यदि इंट्रोगेटिव सेकेंड हो तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब सेकेंड होगा तो लिखेंगे और नहीं होगा तो फिर उसको नहीं लिखेंगे। मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर था। इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग सभी टेंस के एक्सरसाइज करेंगे, सभी टेंस के हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, इसको कन्वर्ट करके देखेंगे कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखा जाए। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, जिसका पहचान हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं और सभी टेंस का पहचान और हेल्पिंग वर्ब उसमें हम लोग समझ चुके हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है उसको देखिए, ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे किया जाएगा। सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जिसका पहचान होता है ता है, ती है, ते हैं। और इसका हम लोग अफर्मेटिव देखें, सबसे पहले अफर्मेटिव देखें, जैसे एग्जाम्पल रमेश
बाजार जाता है। इसके लास्ट में ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है आता है, और ये हमारा बिल्कुल ही साधारण है, अफर्मेटिव है, यानी कि इसमें नकारात्मक शब्द नहीं है और प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो हमारा जो सब्जेक्ट है, यदि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट उसका देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे रमेश एक वचन है, एक व्यक्ति है, तो ये सिंगुलर होगा, तो इसमें हम लोग वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम लोग पहचानेंगे कैसे, सब्जेक्ट होता क्या है, तो वाक्य में जो क्रिया कर रहा है, जिसके द्वारा क्रिया हो रही है, वो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि रमेश। यदि ऐसे हम लोग नहीं समझ पाते तो सेंटेंस से हम लोग पूछेंगे इसमें कार्य कौन कर रहा है, बाजार कौन जा रहा है, तो रमेश हमारा सब्जेक्ट होगा। और रमेश क्रिया क्या कर रहा है, इस वाक्य में सेंटेंस में क्रिया क्या हो रही है, जाना है, तो ये वर्ब होगा। और रमेश क्रिया कर रहा है बाजार जाने के लिए, यानी कि ये हमारा कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट हो। और हम लोग स्ट्रक्चर देखे हुए थे अफर्मेटिव का, सबसे पहले उसमें लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा रमेश, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रमेश, और ये हमारा रमेश सब्जेक्ट हो गया। और फिर हम लोग स्ट्रक्चर में लिखे हुए थे, साधारण के अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में हम लोग लिखे हुए थे, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग ऑफ फर्स्ट, हेल्पिंग ऑफ सेकेंड, और फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें हम लोग ये हमारा हेल्पिंग ऑफ फर्स्ट भी नहीं है, सेकेंड भी नहीं है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण होता है और उसमें हेल्पिंग जो हमारा सब्जेक्ट होता है यदि सिंगुलर हो, तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं, उसमें हम लोग वर्ब के साथ एस या ईएस लिखते हैं। जैसे जाना है वर्ब, तो इसमें हम लोग ईएस लिखेंगे, और गो टू मार्केट। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण हो और उसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, और यदि इसका सब्जेक्ट जो हो सिंगुलर ना हो, प्लूरल हो, जैसे मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, ये लास्ट में ता हूँ, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और इसमें हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे मैं, यानी कि ये मैं आता है फर्स्ट पर्सन में, जिसको हम लोग प्लूरल मानते हैं। सब्जेक्ट में मैं हो, तो ये आई गो टू मार्केट। इसमें हम लोग वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण में उसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो उसके साथ हम लोग एस या ईएस लगाएंगे। यदि इसका सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो हम लोग वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण था। आइए इसके आगे हम लोग नेगेटिव को देखते हैं, जिसमें नकारात्मक शब्द हो। जैसे वह पत्र नहीं लिखता है, लास्ट में ता है आया, यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। और इसको हम लोग बनाएंगे जो हम लोग ने पिछले नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ था, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, नॉट, और फिर हेल्पिंग वर्ब सेकेंड, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट था। तो उस स्ट्रक्चर से हम लोग बनाएंगे। आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट ही, और फिर हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट यानी कि ही के साथ डज होगा, डज, और फिर हम लोग का स्ट्रक्चर में देखेंगे नॉट, नॉट, और फिर हमारा हेल्पिंग अप सेकेंड स्ट्रक्चर में है। तो इसमें हम लोग को, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ डू या डज हेल्पिंग अप होता है, टू प्लूरल के साथ लगता है और डज सिंगुलर के साथ, तो इसमें हम लोग डज लिख दें, इसमें हमारा हेल्पिंग अप नहीं है, हेल्पिंग अप सेकेंड नहीं है, तो इसको हम लोग हेल्पिंग अप सेकेंड को भूल जाएंगे और आगे बनाएंगे। फिर उसमें है मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी कि लिखना, राइट। फिर हम लोग देखेंगे उसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि पत्र, ए लेटर। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट, यानी कि जिसमें हमारा प्रश्न पूछा गया हो और उसको हम लोग सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। जैसे क्या वह
पत्र लिखता है इसमें लास्ट में ता है आया यानी कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसमें सबसे पहले क्या आया यानी कि प्रश्नवाचक शब्द जिसको हम लोग पढ़ने पर सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। जैसे क्या वह पत्र लिखता है तो इसको हम लोग हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। इसको हम लोग बनाएंगे जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर लिखा हुआ था जो हमारा स्ट्रक्चर फर्स्ट था इंट्रोगेटिव का उसके माध्यम से। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट होता है डज हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डज। उसके बाद लिखा होगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी कि ही और फिर उसके बाद लिखा हुआ है नॉट इसमें नहीं हम लोग नहीं है इसमें नकारात्मक शब्द नहीं है तो नॉट को हम लोग भूल जाएंगे। और फिर लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब सेकंड जिसमें कि हमारा हेल्पिंग वर्ब सेकंड नहीं है तो इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब सेकंड को भी भूल जाएंगे। अब लिखा हुआ मेन वर्ब यानी कि लिखना राइट और फिर ऑब्जेक्ट ए लेटर। Does he write a letter? अब यही हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है जैसे वह पत्र क्यों लिखता है वह पत्र क्यों लिखता है तो इसका हमारा स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें सबसे पहले लिखा हुआ था क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्यों प्रश्नवाचक शब्द तो इसको हम लोग सबसे पहले शुरुआत से लिखेंगे इसको सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग मिलाएंगे वाई फिर उसमें देखेंगे उसमें लिखा हुआ था हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट हमारा है डज वाई डज सब्जेक्ट हमारा है ही और फिर देखेंगे उसमें नॉट लिखा हुआ है इसमें हम लोग का नेगेटिव शब्द नहीं है तो नहीं लिखेंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब सेकंड भी नहीं है उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब यानी कि लिखना राइट ऑब्जेक्ट फिर ए लेटर और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था जिसमें हम लोग साधारण का और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव को हम लोग समझे। आइए अब देखते हैं इसी प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसका पहचान होता है रहा है रही है और रहे हैं या जो कार्य हमारा अभी भी चल रहा है जैसे कौवा पेड़ पर बैठा है जिसके अंत में रहा है नहीं आया लेकिन ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्योंकि इसमें हमारा अभी भी जो कार्य है वो कौवा पेड़ पर बैठा है अभी उड़ा नहीं है तो जो कार्य हमारा चल रहा है वो हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें जैसे राम बाजार जा रहा है इसको हम लोग देखेंगे अपने अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट था यानी कि राम और फिर उसमें था हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट यानी कि इज होगा और फिर देखेंगे उसमें होगा हेल्पिंग वर्ब सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता है तो उसको हम लोग भूल जाएंगे और फिर आगे है मेन वर्ब इसमें क्या है गो और फिर हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग जो इसके पहले वाले वीडियो में था उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसी भी टेंस का हो उसमें हम लोग वर्ब के साथ ing लगाते हैं तो इसमें गोइंग होगा गोइंग टू गो के साथ हमेशा टू लगाते हैं। अच्छा ये बात हम लोग क्लियर है गो के साथ हम लोग टू क्यों लगाते हैं हम लोग गो के साथ टू लगाते हैं क्योंकि हम लोग किसी भी स्थान पे जाते हैं तो उससे हम लोग जुड़ते हैं इसके लिए टू लगता है यदि हम लोग उस स्थान से छूटते हैं तो वहाँ से फ्रॉम लगता है तो जैसे होता है फ्रॉम मार्केट हम लोग बाजार से आ रहे हैं फ्रॉम मार्केट इसके लिए गो के साथ टू लगता है। और आगे हम लोग देखा जाए हमारे स्ट्रक्चर में मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है मार्केट और फिर हम लोग आगे देखते हैं नेगेटिव को नेगेटिव यानी जिसमें नहीं आए जैसे राम बाजार नहीं जा रहा है
अब देखेंगे हम लोग सबसे पहले जो हम लोग स्ट्रक्चर लिखे हुए थे नेगेटिव का, उसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले नेगेटिव का स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट यानी कि राम, और अब देखेंगे हेल्पिंग ऑफ फर्स्ट यानी कि इसमें हमारा होगा इज, अब देखेंगे उसमें फिर नॉट, और फिर हेल्पिंग ऑफ सेकेंड जिसमें हमारा हेल्पिंग ऑफ सेकेंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं है, और फिर देखेंगे हम मेन वर्ब यानी कि गो, और कॉन्टिन्यूअस किसी भी कॉन्टिन्यूअस हो उसमें हम लोग ing लगाते हैं, गोइंग टू मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट है, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, तो ये हमारा नेगेटिव है। आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव फर्स्ट यानी कि जिसको हम लोग हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं, जैसे क्या वह खाना बना रहा है, तो इसको हम लोग देखेंगे जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर लिखा हुआ था इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का, जिसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में हो और हमारा उसको पढ़ने पे हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं, और फिर देखेंगे जिसमें से लिखा हुआ है सबसे पहले हेल्पिंग अब फर्स्ट यानी कि इज, और फिर लिखा हुआ है सब्जेक्ट यानी कि वह ही, और फिर हेल्पिंग अप सेकेंड और नॉट इसमें नहीं है, और फिर आगे हम लोग देखेंगे मेन वर्ब हमारा है बना रहा है, और खाना बनाने का कुकिंग होता है तो कुकिंग फूड, इज ही कुकिंग फूड, क्या वह खाना बना रहा है, तो ये हमारा होगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट। और हम लोग सेकेंड देखते हैं जिसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड हो, जैसे वह खाना क्यों बना रहा है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन वर्ड है उसको सबसे पहले लाएंगे, हम लोग स्ट्रक्चर में लिखे हुए हैं इसको सबसे पहले वाई, और फिर देखेंगे उसमें हेल्पिंग वे फर्स्ट यानी कि इज, वाई इज सब्जेक्ट यानी कि ही कुक होगा और वर्ब साथ आईएनजी लगेगा कुकिंग फूड, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेकेंड होगा, वाई इज ही कुकिंग फूड, वह खाना क्यों बना रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था। आइए आगे इसके हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे चेंज करेंगे। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट जिसका पहचान होता है चुके हैं, और इनमें आते हैं जैसे लिया है, दिया, खाया, पिया है, तो ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, या देखा है, सुना है, ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं अफर्मेटिव का, जैसे वह मैदान में दौड़ चुका है, वह मैदान में दौड़ चुका है, तो इसको हम लोग अब जो हम लोग ने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ था उसके माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ था तो उसको हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, इसमें जो ही है, और फिर हेल्पिंग ऑफ फर्स्ट इसमें हैज, इसमें हेल्पिंग ऑफ होता है हैज या हैव, तो हम लोग सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे हेल्पिंग ऑफ सेकेंड नहीं है, और फिर आगे देखेंगे मेन वर्ब इसमें जो है दौड़ चुका है, तो इसमें दौड़ना का होता है रन, और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था परफेक्ट किसी भी टेंस का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसमें हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो रन का थर्ड फॉर्म होता है रन ही होता है। और आगे हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने स्ट्रक्चर में लिखा हुआ था मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है इसमें इन द फील्ड, इसका होगा वह मैदान में दौड़ चुका है, तो इसका होगा ही हैज रन इन द फील्ड। आगे हम लोग देखते हैं नेगेटिव, यदि यही नेगेटिव में होता
वह मैदान में नहीं दौड़ चुका है। तो हम लोग निगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें लिखा हुआ सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही, और फिर लिखा हुआ हेल्पिंग में फर्स्ट यानी कि हैज, और फिर आगे लिखा हुआ है नॉट नॉट, और फिर आगे लिखा हुआ है हेल्पिंग ऑफ सेकेंड जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता है, और फिर हम लोग लिखेंगे आगे वर्ब मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे यानी कि रन, रन का थर्ड फॉर्म रन ही होता है, रन ऑब्जेक्ट है इन द फील्ड। तो ये हमारा निगेटिव हो गया। आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव को, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव देखते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव फर्स्ट यानी कि जिसमें यस और नॉट करके क्वेश्चन हो, जैसे कि क्या वह बाजार जा चुका है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट। क्या वह पत्र लिख चुका है, क्या वह पत्र लिख चुका है, इसके अंत में चुका है तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इसको हम लोग बनाएंगे, हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ था उसमें देखेंगे इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है यानी जिसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले है, जो मतलब जिसको पढ़ने पे आए क्या वह पत्र लिख चुका है, तो इसका यस और नॉट में हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारा हम लोग पहला स्ट्रक्चर लगाएंगे जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसका हेल्पिंग वर्ब होगा हैज, फिर उसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, और फिर हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे नॉट है तो इसमें हम लोग का नॉट नहीं है और हेल्पिंग वर्ब सेकेंड भी नहीं है, फिर लिखेंगे हम लोग मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी कि लिखना रिटेन, और फिर ऑब्जेक्ट ए लेटर, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट था। सेकेंड देखते हैं यानी जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, जैसे वह पत्र क्यों लिख चुका है। इसको हम लोग अब देखेंगे हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर यानी कि इंट्रोगेटिव का सेकेंड स्ट्रक्चर यानी जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आए, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों है तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख देंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट होगा हैज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है ही, और फिर हम लोग लिखेंगे उस स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है नॉट तो इसमें नॉट हमारा नहीं है, और फिर हेल्पिंग वर्ब सेकेंड भी इसमें नहीं है। आगे हम लोग लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी कि रिटेन, और फिर ऑब्जेक्ट ए लेटर। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव था। इसमें कुछ और भी आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, जैसे मैंने बताया था कि लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, तो उसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वह विद्यालय नहीं गया है। इसमें हम लोग सबसे पहले अपना जाएंगे स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर यानी कि इंट्रोगेटिव का फर्स्ट जिसमें हमारा यस और नॉट में आ रहा है, जैसे क्या वह विद्यालय नहीं गया है, इसको यस और नॉट में आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे हैज यानी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, और फिर देखेंगे उसमें नॉट लिखा हुआ है, इसमें हमारा नहीं है तो इसको हम लोग नॉट लिखेंगे नॉट, और फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब सेकेंड हमारा नहीं है तो नहीं लिखेंगे, फिर मेन वर्ब यानी कि गो का थर्ड फॉर्म लिखेंगे गॉन टू स्कूल, ऑब्जेक्ट हमारा है स्कूल, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। परफेक्ट टेंस में हमारा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, परफेक्ट तीनों में से किसी का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग याद रखेंगे तो हमारा टेंस हमेशा सही होगा, और हम लोग स्ट्रक्चर को ध्यान रखते हुए सॉल्व करेंगे। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें हमारा पहचान होता है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आए और उसमें समय का बोध हो। आइए इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव का एग्जाम्पल, जैसे वे
एक घंटे से शोर मचा रहे हैं। इस वाक्य के अंत में रहा है आया और एक घंटे से, यानी कि रहा है के साथ समय आया, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले अपने अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में जाएंगे, जिसमें सबसे पहले दिया होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब सेकंड, इसमें हेल्पिंग वर्ब सेकंड बीन होता है, और फिर हम लोग मेन वर्ब लिखेंगे ऑब्जेक्ट। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा आता है, जब हमारा समय दिया हो तो हम लोग सिंस या फॉर लगाते हैं, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे सिंस या फॉर। एक्स्ट्रा हमारा जब समय हमारा निश्चित हो, जैसे एक घंटे से, ये हमारा अनिश्चित समय होता है, लेकिन जब निश्चित समय हो तो हम लोग सिंस लगाते हैं, और अनिश्चित समय हो तो फॉर। तो इसको हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर देखेंगे, और इसमें हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट दे और फिर हेल्पिंग ऑफ फर्स्ट यानी कि हैव, दे हैव और हेल्पिंग ऑफ सेकेंड बीन, दे हैव बीन, और फिर हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी कि मेक। अब हम देखेंगे हमारा कॉन्टिन्यूअस, हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि कॉन्टिन्यूअस हमारा कहीं भी दिखे हमको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, तो हम लोग मेकिंग लिखेंगे, मेकिंग, और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए नॉइस। और हम लोग देखेंगे हमारा समय निश्चित है या अनिश्चित, एक घंटे से, ये हमारा अनिश्चित समय है, इसलिए हम लोग फॉर लगाएंगे, फॉर वन आवर। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव हो गया, जैसे वे एक घंटे से शोर मचा रहे हैं, दे हैव बीन मेकिंग ए नॉइस फॉर वन आवर। तो ये हमारा सिंपल हो गया। आगे हम लोग देखते हैं नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि जिसमें हमारा नहीं शब्द आए, जैसे वह 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा है, इसमें अंत में रहा है आया और 2 बजे से यानी कि समय आया, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब इसमें हम लोग जाएंगे अपने निगेटिव के स्ट्रक्चर में और देखेंगे सबसे पहले उसमें क्या है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही, और फिर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट यानी कि हैज, और फिर नॉट, और फिर हेल्पिंग वर्ब सेकेंड यानी कि बीन, और फिर देखेंगे वर्ब, मेन वर्ब होगा उसमें, तो हम लोग लिखेंगे रीड, रीड, और हमको कॉन्टिन्यूअस दिखा तो हम लोग आई एन जी लगाएंगे वर्ब के साथ यानी कि रीडिंग। और फिर देखेंगे हमारा सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, नॉट, बीन, रीडिंग यानी कि मेन वर्ब हो गया, यानी कि अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए बुक। अब हमारा समय देखने के लिए हम लोग सिंस या फॉर लिखते हैं। अब देखेंगे 2 बजे से, 2 बजे से हमारा निश्चित समय होता है, इसके लिए हम लोग सिंस लिखेंगे, सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा है, ही हैज नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 o'clock। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव था। आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट यानी कि हमारा यस और नॉट करके क्वेश्चन हो, जैसे क्या विराट 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, क्या विराट 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, इसके अंत में रहा है आया और 3 घंटे से यानी कि रहा है के साथ समय, तो इसको हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम लोग जाएंगे अपने इंट्रोगेटिव के फर्स्ट के स्ट्रक्चर में, देखेंगे उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट यानी कि हैज, हैज, और फिर हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि विराट, हैज विराट, और फिर हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब सेकंड, हेल्पिंग वर्ब सेकंड यानी कि बीन, और मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी कि खेलना, प्लेइंग, इसमें हमारा कॉन्टिन्यूअस लगा है यानी कि प्लेइंग होगा, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हमारा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा क्रिकेट। अब देखेंगे 3 घंटे से, ये हमारा अनिश्चित समय है, तो इसको हम लोग लिखेंगे फॉर 3 आवर्स।
हैज विराट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट था। आइए अब देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेकेंड। इसमें क्वेश्चन मार्क भी होगा, ये हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड। इंट्रोगेटिव सेकेंड देखते हैं, यानी कि जिसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हो। जैसे वह अपना समय दो दिन से क्यों बर्बाद कर रहा है। वह अपना समय दो दिन से क्यों बर्बाद कर रहा है, इसके अंत में रहा है आया और दो दिन से, तो हमारा टाइम के साथ रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। इसमें हम लोग देखेंगे अपना इंट्रोगेटिव सेकंड का स्ट्रक्चर, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, यानी कि वाई, और फिर हेल्पिंग ऑफ फर्स्ट यानी कि हैज़, और फिर हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि ही, और फिर हेल्पिंग वर्ब सेकंड लिखेंगे क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, और बीन, और मेन वर्ब, मेन वर्ब हमारा है बर्बाद कर रहा है, तो वेस्टिंग होगा, वेस्टिंग, ऑब्जेक्ट है अपना समय, हिज टाइम, और फिर हम देखेंगे हमारा समय है दो दिन से, ये अनिश्चित है, तो फॉर 2 डेज, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा प्रेजेंट के सारे टेंस थे, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे, और इसके आगे का टेंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और अगले वीडियो के लिए मैं एक ये टेंस आपको देता हूँ, कौवा पेड़ पर बैठा है, और ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आए होंगे, तो इसको आप बना के कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे। थैंक यू।